जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती है और फिर हम जबरदस्ती सोने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो हम इतना परेशान हो जाते हैं कि हम नींद के लिए गोलियां तक लेने लगते हैं ताकि हमें अच्छी नींद आए। कभी कभी तो मनुष्य ऐसी गंदी आदतें अपना लेता है कि जब तक वो नहीं करेगा तो उसे नींद नहीं आएगी। जैसे किसी को धूम्रपान किए बिना नींद नहीं आती, कोई शराब का सेवन करने लग जाता है ताकि उसे नींद आ जाए, कुछ लोग तंबाकू चबाने लगते हैं और फिर धीरे धीरे इनकी यही आदतें इन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। जब तक ये लोग इन चीज़ों का सेवन नहीं करते तब तक ये बहुत बेचैन रहते हैं। जबकि हम सभी को पता है कि इन चीज़ों से नींद नहीं आती, बस हमें कुछ देर के लिए इनका नशा हो जाता है और हम इनके आदि हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे शरीर को अंदर से खोखला बना देती है और जब हम ठीक से नींद नहीं ले पाते हैं तो हमारा पूरा दिन तनावपूर्ण रहता है, हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, हम पूरे दिन बेचैन और थके थके रहते हैं, हमें दिन भर आलस आते रहते हैं। हम सभी के साथ अक्सर ऐसा होता है। तो आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है कि हमें नींद नहीं आती है। इस कहानी में हम उन उपायों के बारे में जानेंगे जिससे हम अच्छी नींद ले सकें। एक नगर में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ रहता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यवसाय दूर दूर तक फैला हुआ था। उसके घर काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे और उसे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब भी वो सेठ अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता तो उसे नींद ही नहीं आती थी। वो रात भर करवटें बदलता रहता, बहुत कोशिश करता, लेकिन कुछ पल के बाद उसे नींद तो आ जाती लेकिन फिर उसकी नींद खुल जाती और सुबह जल्दी ही वो उठ जाता था। वो सेठ इस चीज़ से बहुत परेशान रहता कि आखिर उसे नींद क्यों नहीं आती, दिन भर काम करने के बाद भी वो ठीक से क्यों नहीं सो पाता। जब उस सेठ ने किसी से इसके बारे में पूछा कि मुझे नींद क्यों नहीं आती तो सेठ को किसी ने कह दिया कि सेठ जी, सोने से पहले मदिरा पान कीजिए, आपको अच्छी नींद आएगी। वैसे तो वो सेठ शराब का सेवन नहीं करता था लेकिन अच्छी और चैन की नींद पाने के लिए सेठ ने शराब पीनी शुरू कर दी। जब वो सेठ शराब पीता तो कुछ देर तक तो उसे उसका नशा रहता, पर जैसे ही शराब का नशा उतरता उसकी नींद खुल जाती। अब तो सेठ रोज ही ऐसा करने लग गया। सेठ को लगने लगता कि शराब पीने की वजह से वो सो जाता है, लेकिन धीरे धीरे सेठ को शराब की लत लग जाती है। अब वो और भी ज़्यादा बेचैन रहने लग गया। अब जब तक वो शराब नहीं पिएगा उसे नींद ही नहीं आएगी। धीरे धीरे वो दिन में भी शराब पीने लग गया जिसका असर उसके व्यापार पर पड़ने लगा। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा बेचैन रहता, अब तो उसका मन व्यापार में भी नहीं लगता था। धीरे धीरे उस सेठ का व्यापार घाटे में जाने लगा जिससे वो तनावपूर्ण जीवन जीने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। तभी किसी ने उसे बताया कि पास के नगर में ही गौतम बुद्ध आए हुए हैं। गौतम बुद्ध का नाम सुनकर वो सेठ उनसे मिलने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उस सेठ को पता था कि गौतम बुद्ध अवश्य ही उसकी समस्या का समाधान बता देंगे। वो सेठ गौतम बुद्ध के पास जाकर उनको प्रणाम करता है। उस समय बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे तो वो सेठ भी उनके उपदेश सुनता है। उपदेश खत्म होने के पश्चात वो सेठ बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मेरे पास बहुत धन दौलत थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कभी चैन की नींद नहीं ले पाता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझे ठीक से नींद नहीं आती थी। तभी किसी ने मुझसे कहा कि अगर मैं शराब का सेवन करूं तो मुझे अच्छी नींद आएगी, लेकिन मैं शराब का आदी हो गया, मुझे कुछ पल के लिए तो नींद आ जाती पर मैं फिर से उठ जाता, मैं और भी ज़्यादा बेचैन रहने लगा। शराब पीने के कारण और ठीक से नींद नहीं लेने की वजह से मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता, जिस वजह से मेरा व्यवसाय भी अब घाटे में जा रहा है। हे बुद्ध, आप ही मुझे इन सब से बाहर निकालो। आप मुझे ये बताओ कि आखिर मुझे ठीक से नींद क्यों नहीं आती है। उस सेठ की पूरी बात गौतम बुद्ध
बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उससे कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो सुनने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हें ठीक से नींद क्यों नहीं आती है। ये सुनकर सेठ कहता है कि बुद्ध मुझे आप जल्दी बताइए कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जिनसे मुझे ठीक से नींद नहीं आ पाती है। तब गौतम बुद्ध सेठ से कहते हैं कि मैं तुम्हें 7 मुख्य कारण बताऊंगा जिनकी वजह से इंसान को नींद नहीं आती है, जिनमें से पहला मुख्य कारण है तुम्हारे सोने से पहले के विचार। जब भी हम सोने के लिए जाते हैं उससे पहले हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर हमारा अवचेतन मन जाग जाता है और फिर पूरी रात हमारे मन में वो विचार चलते रहते हैं और फिर जब हम सुबह उठते हैं तो हम उन्हीं विचारों के साथ उठते हैं। इसीलिए अगर हम सोने के पहले नकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो हम उठते भी नकारात्मक विचारों के साथ ही हैं, जिससे हम थका थका और कमज़ोर महसूस करते हैं। और वहीं अगर हम सकारात्मक विचारों के साथ सोते हैं तो हमारे मन में पूरी रात सकारात्मक विचार ही चलते रहते हैं, जिससे जब हम उठते हैं तो हम सकारात्मक विचारों के साथ ही उठते हैं, जिससे हमें थकान नहीं होती, हम पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा अगर हम सोने से पहले सारे विचार ही खत्म कर दे तो हम अच्छी से गहरी नींद ले सकते हैं। जब हमारे मन में कोई विचार नहीं रहता है तो हमें गहरी नींद आती है, हम चैन से सो पाते हैं। विचारों को शांत करने के लिए हम सोने से पहले ध्यान भी कर सकते हैं, जिससे कि सारे विचार खत्म हो जाएंगे और हम अच्छी तरीके से सो पाएंगे। फिर गौतम बुद्ध दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं कि हमारा निश्चित समय पर नहीं सोना, हम क्या करते हैं कि देर रात तक जागते रहते हैं, अलग ही विचारों की दुनिया में खोए रहते हैं। कभी हम बहुत जल्दी सो जाते हैं तो कभी हम बहुत लेट सोते हैं। इसीलिए हमें सोने का समय निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं धीरे धीरे हमारा मन भी उसी प्रकार से कार्य करने लगता है। और फिर जब आपका सोने का समय होता है तो आपको अपने आप ही नींद आना शुरू हो जाती है। गहरी नींद नहीं आने का तीसरा कारण है कि हम बिस्तर पर बहुत सारे कार्य करते हैं, जबकि बिस्तर सिर्फ हमारे सोने के लिए होता है। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, खाना भी बिस्तर पर ही खाते हो, तुम अपने व्यवसाय का काम भी बिस्तर पर ही करते हो, बिस्तर पर बैठकर ही तुम लोग आपस में बातें करते हो। अब तुम मुझे ये बताओ कि बिस्तर तुम्हारे सोने के लिए है तो तुम उस पर अन्य कार्य क्यों करते हो? बिस्तर तो सदैव सोने के लिए ही होता है। हमें बिस्तर पर तभी आना चाहिए जब हमें सोना हो, ताकि हमारे मन को ये पता चल सके कि अब बस हमें सोना है। लेकिन तुम तो उस बिस्तर पर विभिन्न कार्य करते रहते हो, जिससे तुम्हारा मन इस उलझन में रहता है कि अब तुम क्या करोगे। इसीलिए सदैव बिस्तर पर हमें तभी जाना चाहिए जब हमारा पूरा काम हो जाए और हमें सिर्फ सोना हो, तभी हमारे मन को ये निश्चित पता चल पाता है कि अब हम बिस्तर पर आ गए हैं और अब हम सोएंगे, तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। गौतम बुद्ध नींद आने का चौथा कारण बताते हुए कहते हैं कि गलत तरीके से सोना। हम लोगों को सोने का सही तरीका ही पता नहीं होता है, हम तो कैसे भी सो जाते हैं, कभी उल्टे तो कभी सीधे, कभी घुटमुट होकर तो कभी हम हाथ पैरों को मोड़कर सोते हैं, नरम गद्दों का प्रयोग करते हैं, जबकि ये सभी तरीके गलत होते हैं, क्योंकि जब हम उल्टे सोते हैं तो हमारे शरीर के अंगों पर दबाव पड़ता है, जिससे हमें तनाव पैदा होता है। जब हम नरम मखमल के गद्दे पर सोते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी झुक जाती है, जो कि तनाव पैदा करती है। जब हम पैर के ऊपर पैर डालकर सोते हैं तो हमारे एक पैर पर दूसरे पैर का दबाव बनता है। कई बार तो हम अपने सिर के नीचे मोटे तकिए का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे हमारी गर्दन अकड़ जाती है। इन सभी तरीकों से सोने से हमें तनाव पैदा होता है और हमें ठीक से नींद नहीं आ पाती है। इसीलिए हमें सदैव सोने के लिए सही तरीके से सोना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध ने नींद आने का पांचवा कारण बताते हुए कहा कि बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करना, और ऐसा भोजन करना जो देर से पचता है। हम लोगों को यही पता नहीं है कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए और कितना भोजन करना चाहिए। हम तो रात को टूस टूस के भोजन कर लेते हैं, जबकि हमें भोजन कम मात्रा में करना चाहिए। जहां आप 3 रोटी खाते हैं वहां आपको 2 ही रोटी खानी चाहिए, क्योंकि रात को हम भोजन करने के उपरांत कुछ भी कार्य नहीं करते हैं,
और बिस्तर पर जाकर लेट जाते हैं तो हमारा वो भोजन पचता नहीं है, और जब हम ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमें नींद भी नहीं आती है, और हमें कभी भी तला भुना हुआ भोजन भी रात को नहीं खाना चाहिए। मगर अक्सर हम लोग तो रात को ही अपना मुख्य भोजन खाते हैं, शादी समारोह में जाके खूब तला हुआ भोजन करते रहते हैं, जबकि तला भोजन देर से पचता है। इसीलिए हमें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो रात भर हमारा पाचन तंत्र उसी भोजन को पचाने में लगा रहता है, जिससे हमारे शरीर में तनाव रहता है और हम अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं। फिर गौतम बुद्ध ने नींद न आने का छठा कारण बताते हुए कहा कि हमारी महत्वाकांक्षाएं, हम सभी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, सारे दिन हम उनको पाने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, और जब हम रात में सोते हैं तब भी हमारे मन में यही विचार चलते रहते हैं कि कल मुझे ये काम करना है, कल मुझे वो काम करना है, और फिर उस काम को कैसे करना है, यही सब हम सोचते रहते हैं। जबकि सोने से पहले हमें इन सब बातों के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, अपने बाहर के कामों को बाहरी छोड़ देना चाहिए, सोते समय उन्हें अपने साथ लेकर नहीं सोना चाहिए। लेकिन अक्सर सभी लोग अपने मन में इतना बोझ लेकर सोते हैं तो फिर गहरी नींद कैसे आएगी। फिर गौतम बुद्ध ने नींद न आने का सातवां व मुख्य कारण बताते हुए कहा कि नशा। बहुत से लोग सोने के लिए नशा करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग धूम्रपान करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे यही चीजें उन लोगों की आदत बन जाती है, और जब तक वो नशा नहीं करते हैं तब तक उन्हें नींद भी नहीं आती है। इसीलिए हमें कभी भी नींद लेने के लिए नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा करने से हमारा शरीर कमजोर पड़ जाता है, हम पूरे दिन चिड़चिड़े बेचैन रहते हैं, हमें बस शराब तंबाकू यही दिखती रहती है, जिससे ना तो हम दिन में ठीक से रह पाते हैं और ना ही रात में ठीक से सो पाते हैं। गौतम बुद्ध की सभी बातें सुनने के बाद सेठ बोला कि बुद्ध, मुझे ये तो समझ में आ गया कि मुझे नींद क्यों नहीं आती, पर बुद्ध आप मुझे कुछ ऐसे उपाय बताइए जिससे मैं अच्छी नींद ले सकूं। ये सुनकर गौतम बुद्ध सेठ को कुछ नियम बताते हैं। बुद्ध कहते हैं कि सोने से पहले जो भी भोजन करो वो भोजन हल्का होना चाहिए, जैसे कि पाचन तंत्र आसानी से पचा सके, और अत्यधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप तला भुना भोजन खाते हो तो उसे सोने से 3-4 घंटे पहले ही खा लो, जब आप सो तब तक वो भोजन पच जाए। फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम सोने जाओ उससे पहले गुनगुने पानी से स्नान कर लो, क्योंकि जब हम स्नान करते हैं तो इससे हमारी त्वचा की गंदगी ही साफ नहीं होती, हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। जब हम चिंता या फिर तनाव में होते हैं तो स्नान करने से हमारी सारी चिंता समस्या दूर होती है, हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है, जिससे हमें आसानी से नींद आ पाती है। हमारे शरीर में 70% पानी है, और जब हम इस पानी में पानी गिराते हैं तो हमें सुकून मिलता है, ऐसा अनुभव होता है कि ये त्वचा की सफाई से परे है, हमें बहुत शांति का आभास होता है। इसीलिए सोने से पहले जब हम स्नान करते हैं तो हमें अच्छी और गहरी नींद आती है, और सोने से पहले हमें जिस कमरे में हम सोते हैं उसमें एक दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक जलाने से उस कमरे में एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। जिस प्रकार से वो दीपक जलता है और पूरे कमरे में रोशनी करता है, उसी प्रकार जब आप सोओगे तो आपके भीतर भी एक दीपक प्रज्वलित होगा और आपको सकारात्मक भाव से भरे रखेगा, जिससे आपको गहरी और अच्छी नींद आएगी। सोने से पहले तुम्हें अपने सारे विचार खत्म करने होंगे। जब हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, तो सबसे पहले तो तुम्हें अपने व्यवसाय के कामों को घर के बाहर ही छोड़कर आना है। वहीं पर ये निश्चय कर लो कि बस अब हो गया, कल मैं यहीं आकर वापस करूंगा, अब मैं घर जाकर भोजन करके परिवार के साथ बातचीत करके मस्त सोऊंगा, जिससे तुम्हारे मन में फिर बाहरी विचार नहीं आएंगे। और जब तुम सोने जाओ तो उससे पहले ध्यान कर लो। ध्यान करने से हम अपने मन को एक जगह स्थिर कर पाते हैं, जिससे सोते समय हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता और हम अच्छी नींद ले पाते हैं। साथ ही सोने से पूर्व तुम योगा भी कर सकते हो। योगा करने से शरीर में स्फूर्ति होती है, तुम्हारे दिन भर की थकान गायब हो जाती है और तुम्हें अच्छी और आरामदायक नींद आती है। और सोने से पहले तुम्हें अपने सभी काम समाप्त कर लेने चाहिए, ताकि जब आप सो तो आप आराम से सो पाओ, आपको ये ना लगे
कि मेरा वो काम रह गया। अगर ऐसा हुआ तो रात भर आपके मन में वही काम चलता रहेगा कि मेरा वो काम छूट गया, इसीलिए सोने से पूर्व अपने सभी काम खत्म करके सोए।